आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में साल के पहले दिन अगर कोहरे ने रुलाया तो दूसरे दिन बारिश की वजह से परेशानी खड़ी हो गई। पूरी दिल्ली में सुबह रिमझिम बारिश हुई। 14 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद पारे में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बारिश ने इस खुशी को टिकने नहीं दिया। पहले दिल्ली को कोहरे ने रुलाया, फिर शीतलहर ने जीना मुहाल किया और अब तंग करने आ गई बारिश। दिल्ली की तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी है। शनिवार को पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ाने के लिए बारिश हाजिर हो गई। सुबह से दिल्ली में रिमझिम बादल बरसते रहे और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। आज से दिल्ली में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया और अब मौसम विभाग ने चेताया कि ये 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। झलक आज से ही दिखने लगी जब कोहरे के साथ बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली के कोने कोने को बेमौसम की बारिश ने धो डाला। इसकी तस्वीरें देख लीजिए, ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं। सड़कें तरबतर हैं, लोगों को छाते निकालने पर मजबूर होना पड़ा। बारिश की रफ्तार बढ़ी तो लोग सड़कों के किनारे शरण लेते नजर आए। लुटियन दिल्ली की सड़कें भी बारिश से तरबतर हो गईं। ये तस्वीर फिरोशा रोड की है। बारिश के सीजन जैसा ही नजारा दिखा। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर बारिश के चलते आवाजाही पर भी असर दिखाई दिया और यमुना के किनारों की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश और कोहरे ने किसी हिल स्टेशन की झलक दिल्ली में ही दिखा दी। साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों में भी बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने को ही मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी ही दिखी, क्योंकि सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। संसद, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी जगहों पर भी सूरज बादलों में ही डूबता नजर आया। मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के आफत के 4 दिन, ठंड कोहरे के साथ बारिश का ट्रिपल अटैक। 4 दिन रुक रुक कर होगी बारिश, अगला हफ्ता भी चिल, मुश्किल होगी फुल। शनिवार झांकी रहा लेकिन पूरी आफत अभी बाकी है। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकलें तो बेहतर। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, संभल कर रहें। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि आज से बादलों का डेरा शुरू हो गया जो कुछ दिन तक बदस्तूर जारी रहेगा। आने वाले 3-4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। कल यानी रविवार को हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर रह सकती है। 5 जनवरी तक लगातार हल्की बारिश की संभावना है। शीतलहर का सिलसिला भी चलता रहेगा। कोहरा भी 5 जनवरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा, लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव है। दिल्ली में शनिवार को भी सर्द शुरुआत हुई। कल ही 1 डिग्री के साथ 14 साल की सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार को तो पारा 7 डिग्री पर आ गया, लेकिन बारिश और बादलों ने पारे की इस बढ़ोतरी का मजा किरकिरा कर दिया। साल के पहले दिन जहां ठंड ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं पर दूसरे दिन रिमझिम फुहारों और गिरते हुए पारे ने, बारिश ने लोगों को कपा दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम कितना विपरीत हुआ है कि लोगों को आने जाने के लिए अपने वाहनों की हेडलाइट को जलाना पड़ रहा है। कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। शनिवार को दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे ने खूब परेशान किया। देखिए कैसे इंडिया गेट पर कोहरे की चादर छाई रही। 1 जनवरी के मुकाबले कुछ राहत थी, लेकिन कोहरे ने पीछा नहीं छोड़ा। यही हाल अक्षरधाम का था, यहाँ भी कोहरे ने अपना असर दिखाया। दिल्ली में तेज सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। अल सुबह
हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया तो मुसाफिर परेशान नजर आए। खून जमा देने वाली सर्दी में लोग गर्मा गर्म चाय पीकर सर्दी से दो दो हाथ करते दिखाई दिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पारा 1.1 डिग्री तक पहुंच गया, खासकर के बात करें दिल्ली की, यहां पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोरोना की वजह से दिल्ली वाले वैसे भी नए साल का खैर मकदम उस जोश और जुनून से नहीं कर पाए थे और अब बारिश और सर्दी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। दिल्ली से योगेश गुप्ता, राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मैदानों में ठंड का तो पहाड़ों में इन दिनों बर्फ का ही राज चल रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर हर जगह तक बर्फिस्तान एक तरीके से बना हुआ है। स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ गई हैं, लेकिन नए साल में जश्न मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए। अगर मैदान बारिश और ठंड से बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर मानो आइस एज चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ मानो सब कुछ अपने आगोश में ले लेने पर आमादा हो। कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और ये सिलसिला थमता नहीं दिखता। कश्मीर में डल झील के करीब शिकारों पर बर्फ जमी है। और जरा पहलगाम, गुलमर्ग जैसे सैलानियों की पसंदीदा जगहों का हाल भी देख लीजिए। ये शहर लगातार बर्फ से गलबैया कर रही हैं। कई फुट की बर्फ हर तरफ दिख रही है। पहाड़ों पर पारा लगातार गोते लगा रहा है। जरा पहाड़ों के शहर कैसे गल रहे हैं, इसकी झलक पारे में देख लीजिए। स्पीति में पारा -7 है, लेह में -16, तो करगिल में पारा -17 चल रहा है। श्रीनगर में -6 पर सिहर रहा है। कश्मीर का टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग -7 पर ठिठुर रहा है। मनाली तक में पारा -2 है। पूरे कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चल रही है। श्रीनगर तक में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है। पारा माइनस तक चला गया है। कल रात की अगर श्रीनगर में ही बात की जाए तो करीब -2.9 टेम्परेचर रहा है, और गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस की बात करें तो करीब -8 या -10 तक भी टेम्परेचर चला गया है। इस वक्त यहाँ डल लेक के पास, डल लेक के कुछ किनारे अगर आप देखें इन तस्वीरों में भी जमे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फ ने कहर बरपा रखा है। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सरहद पर पड़ने वाले कुछ गाँव की झलक देखिए, पूरी तरह बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं ये गांव। घर, मकान, खेत खलिहान, सब जगह बर्फ पसरी है। शीतलहर का कहर घनसाली में बहुत जोरों से बरस रहा है। रात तो रात, दिन में भी पाला का अंबार लगा हुआ है। बेजमान पशु बेहादा ठंड से ठठरा रहे हैं। हिमाचल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शिमला से मनाली और मंडी तक हर तरफ बर्फ है। मंडी जिले के गाड़ा गुशेनी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब ठंड से परेशान है। इलाके के लोगों की जिंदगी थम सी गई है, लेकिन नए साल का जश्न यहां मनाने आए सैलानी काफी खुश हैं। ये सैलानी नाचते गाते दिखे। भाई भाई, पहाड़ों पर ये दिन वैसे भी आमतौर पर बर्फ और सर्दी के नाम रहते हैं, लेकिन लगता है इस बार कुदरत बर्फ के मामले में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। टिहरी से कृष्ण गोविंद, मंडी से परी शर्मा और श्रीनगर से शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। क्या पहाड़ और क्या मैदान, आने वाले 3 दिन सब पर भारी पड़ेंगे। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पहाड़ी राज्यों के अलावा कमोबेश पूरे उत्तर भारत में कल से
5 जनवरी तक बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने तो खतरा देखकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं। अगर पहाड़ बर्फ से सराबोर हैं, तो वहाँ की सर्द हवाओं ने उत्तर भारत के तमाम सूबों को सर्दी से सहरा रखा है। अब इन राज्यों में बारिश ने भी आफत बढ़ा दी है। शनिवार को राजस्थान से मध्य प्रदेश और यूपी से एमपी तक को बादलों ने अपनी गिरफ्त में ऐसा लिया कि ये राज्य कांपते और भीगते रहे। चंडीगढ़ में सुबह से हल्की बारिश होती रही। हरियाली से लदे चंडीगढ़ में आज का नजारा बारिश के दिनों जैसा ही था। नए साल की दस्तक के साथ ही मौसम ने भी अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। यानी कि हिमाचल की पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब के मैदानी इलाकों में फिलहाल तापमान में थोड़ा उछाल आया है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहां पर हुई है। और गुलाबी शहर जयपुर में भी सूरज बादलों के बीच खोया दुबका रहा। सर्दी ने लोगों को यहां भी परेशान कर दिया। राजस्थान में नए साल की शुरुआत में मौसम ने करवट बदला है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। धौलपुर बूंदी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। जयपुर में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। जयपुर ही क्या, रेतीले राजस्थान का हर शहर हर गांव कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। फतेहपुर शेखावटी में तो पारा लगातार 5 दिन तक माइनस में रहने का रिकॉर्ड बन गया। शनिवार को पारा कुछ चढ़ा तो बारिश शुरू हो गई। सर्द हवाओं की तीखी चुभन के साथ बारिश ने दोबारा वार किया और अब 2 दिन बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। सर्दी इतनी कि भगवान को भी कंबल और रजाई उड़ाई गई है। बहुत जबरदस्त ठंड है। ठाकुर जी को भी हमने साल उड़ा रखी है, हम खुद भी लाभ ले रहे हैं। सर्दी से निजात की उम्मीद लगा रखी है तो जरा 3 तारीखें नोट कर लीजिए। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। 7 राज्यों में बरसेंगे बादल। उत्तर भारत अब होगा तरबतर। जी हां, इन 3 दिनों में उत्तर भारत के लिए आ रही है बड़ी आफत। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में इन 3 दिनों में तेज हवाओं, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां आफत आएगी वो भी देख लीजिए। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 3 से 5 जनवरी तक जो राज्य बारिश और ओले गिरने की मुसीबत से 2-4 होंगे, उनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर राजस्थान शामिल है। सवाल ये कि आखिरकार मौसम ऐसे रंग क्यों दिखा रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। असल में आज एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहा है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होगा। इन दोनों सिस्टमों के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक हवाओं का रुख भी बदलेगा। इसी वजह से बारिश शुरू हुई है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानों में पारा गिर रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में 5 जनवरी तक संभल कर रहने के दिन हैं। जयपुर से शरद कुमार और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।